हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? गुड इवनिंग जीवन, गुड इवनिंग टॉपर, गुड इवनिंग दामनी, शेखर, कैसे हो आप? सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? और आपको हमने कल कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे होमवर्क में, और आई होप कि मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है? हाय फैजान, हेलो मोनिका, हाय निमिषा। सो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वंडरफुल, आप सभी बढ़िया हो, और क्वारंटाइन में आप स्टडी कर रहे हो, घर में पूरा टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है? तो दोस्तों, जो होमवर्क क्वेश्चंस है वो भी आप किया करिए। हेलो हेलो पवित्रन, हेलो अभिषेक, ठीक है? तो यार, केमिकल बॉन्डिंग में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यार, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अपन क्या जहाँ समझते हैं, अपन ने ये पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में कि जो ओवरलैपिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल, दिस इज ड्यू टू द बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें ग्राउंड स्टेट से जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और एक इक्वल एनर्जी के डीजनरेट ऑर्बिटल क्रिएट करते हैं, और वो आपस में क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और एक नया ऑर्बिटल क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो यार, आज हम पढ़ने वाले हैं बीबीटी को, ठीक है? तो दोस्तों, और इसके बाद ये हमारा क्या है, ऑफिशियल इंस्टासॉल चैनल है। आई होप कि आप सभी ने इसको अब तक इंस्टॉल कर लिया होगा। इंस्टॉल करने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी क्यूरीज वहाँ से आपको सब मिल जाएगा, ठीक है? हेलो पीयूष, हेलो पूजा, यस दामनी, आई हैव सीन योर कमेंट्स, ग्रेट ग्रेट। तो यार, ये क्वेश्चन हमने कल के लिए होमवर्क के लिए दिए थे, व्हाट इज़ द राइट आंसर, क्या राइट आंसर है, व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों, बताओ यार। तो इसमें क्या बताना था, करेक्ट ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ गिवन कंपाउंड्स। जो आपके कंपाउंड दिए हैं, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, ये बताना था। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने किया होगा घर से इसको, ग्रेट टॉपर, ग्रेट यार। तो देखते हैं सबसे पहले किसने आंसर दिया है। गुड इवनिंग राखी, सो या दैट्स राइट, बी इज द राइट। सेकंड के बाद थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका जो सबसे पहले आंसर दिया था वो दामनी ने दिया था, तो दोस्तों दामनी के लिए क्लैपिंग हो जाए। दामनी ने इसका आंसर हमारे जो YouTube चैनल है वहाँ भी लिखा था, तो गाइस जस्ट क्लैप फॉर दामनी, ठीक है? ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है? और यार, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, यार इलेक्ट्रोफिलिक के लिए क्या देखना है कि जो कार्बोकैटायन बनेगा, तो कार्बोकैटायन के बाद उसकी जो स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जल्दी देगा। तो करेक्ट ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द गिवन कंपाउंड फॉलोज, ठीक है? इलेक्ट्रोफाइल कितना जल्दी अटैक करेगा, तो रिएक्टिविटी आपको किससे देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, ठीक है? किरण, बहुत बढ़िया किरण। तो सेकंड में क्या था, करेक्ट ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो गिवन कंपाउंड में भी यार, थर्ड जो होगा, थर्ड में ऑक्सीजन का क्या लगेगा, ऑक्सीजन का प्लस एम बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन की ऑर्बिटल एनर्जी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, क्लियर? तो होगा थर्ड के बाद आएगा दोस्तों, क्या आएगा थर्ड के बाद आएगा फिफ्थ, देन सेकेंड, देन फोर्थ, आफ्टर में क्या आएगा, फर्स्ट।
सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, राइट, यस मोनिका यू आर राइट। और यार इसको तो आप लोगों ने कर लिया होगा, इसमें क्या आंसर आया आप लोगों का, इसको किया है आप लोगों ने दोस्तों? इसमें आपने अटेम्प्ट लिया है, आपने घर में अटेम्प्ट किया है इसको, बताओ यार क्या आंसर होगा? आउट ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन, विच वन इज मोर एसिडिक? हेलो अलीजा, हाय मनोहर, इथाइन, दैट्स राइट टॉपर, दैट्स राइट, दैट्स राइट, ग्रेट यार, एक्सीलेंट। तो यार इथेन, इथीन और इथाइन में हाईली एसिडिक क्या है? इथाइन, इथाइन इज हाईली एसिडिक। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर क्या है? इथाइन। ठीक है, राइट। एंड एसिटिलीन इज ट्रीटेड विद एक्सेस सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। यार जब एसिटिलीन को एक्सेस सोडियम में ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? एसिटिलीन में जो आपके टर्मिनल एच हैं, जो टर्मिनल एच हैं, वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे सोडियम से, और सोडियम एसिटिलाइड बन जाएगा। सोडियम क्या बन जाएगा? NaC ट्रिपल बॉन्ड, CNa, क्लियर? ये सोडियम एसिटिलाइड में क्या डाल रहे हो आप? एक्सेस मेथिल आयोडाइड। किससे रिएक्ट करा रहे हो दोस्तों? आयोडाइड से। हाँ, आपने बनाया ब्यूटाइन, ब्यूटाइन टू, दलीप जो आपका बना है दैट इज ब्यूटाइन टू। क्या बना होगा? टू ब्यूटाइन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। ठीक है यार, ये आप लोगों ने बना लिया होगा, तो टू ब्यूटाइन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यार ये वाला बताओ, द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ऑब्टेंड बाई रिएक्टिंग HCl। HCl किससे रिएक्ट करोगे आप? यार पॉलीविनाइल का मतलब विनाइल क्लोराइड, और विनाइल क्लोराइड के लिए आप क्या लोगे? आप लोगे, व्हाट यू विल टेक? यू विल टेक इथाइन। इथाइन मीन्स एसिटिलीन। जब आप एसिटिलीन में HCl डालोगे तो एसिटिलीन इज द राइट आंसर। क्या राइट आंसर है दोस्तों? इथाइन। दामनी इज राइट, दामनी इज लीडिंग द पोल, दामनी पोल लीड कर रही है। तो यार जिन्होंने जिन्होंने राइट आंसर दिया है, दे कैन मेक द साइन ऑफ विक्ट्री, वो वी का साइन बना सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं पायल, अभी हम लोग होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। गुड इवनिंग कल्पना, गुड इवनिंग मुस्कान। तो यार एसिटिलीन इज द राइट आंसर, इसी को इथाइन बोलते हैं। ठीक है, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस फॉर पोटेशियम सक्सीनेट, पोटेशियम सक्सीनेट गिव्स CO2 एंड पोटेशियम सक्सीनेट का जब आप करते हो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस तो क्या मिलता है बताओ यार, फटाफट बताओ। तो क्या आया राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? हेलो रचन, शेखर, शेखर का राइट है, दैट विल बी द इथीन। क्या होगा दोस्तों? दैट विल बी द इथीन, और इसी को क्या बोलते हैं? एथिलीन। तो राइट आंसर क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसमें क्या होगा यार? एडिशन ऑफ वाटर, इथीन इज द राइट आंसर दोस्तों। इथीन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथाइन तो यार उसमें मिलता है आपका मैलिक एसिड में, सोडियम मैलेट। जब आप पोटेशियम मैलेट को पोटेशियम मैलेट कराते हो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में, तब मिलता है आपका एसिटिलीन। अब यार ये बताओ, एडिशन ऑफ वाटर टू एसिटिलीनिक कंपाउंड इज कैटालाइज्ड बाई एसिड, एसिड हाइड्रोलिसिस, HgSO4 एंड H2SO4। ये तो पढ़ा होगा, Hg2+ एंड H2SO4। ठीक है, दैट्स राइट, दामनी इज डेफिनेटली राइट दोस्तों। बाकी 1,3-ब्यूटाडाइन विद ब्रोमीन इन मोलर रेशियो जनरेट्स प्रीडोमिनेंटली, इसमें क्या बनेगा? TCP, थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ठीक है, और ये वाला आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, 1,3-ब्यूटाडीन POS, दैट्स राइट देवांश, क्लियर है?
Damini is doing great. So Damini has done all the questions right. 1,3-butadiene with bromine in molar ratio generates predominantly TCY. TCY बोले तो thermodynamically controlled product. और ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 1-bromo-2-butene. ठीक है? Right, right जीवन, right. यार तो questions कर लिए. यार बेंजिल रेडिकल जो बनाओगे तो बेंजिल रेडिकल में बॉन्ड एनर्जी लेस होगी कि ज़्यादा होगी, ये पूछ रहा है. यदि आपने बेंजिल रेडिकल बनाया मतलब टॉलुइन से यदि आप CH2 रेडिकल बनाओगे बेंजिल रेडिकल, तो बेंजिल रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है कि आपका CH3 रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है? दोस्तों कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है? विच रेडिकल इज मोर स्टेबल? यस यस दैट्स राइट यार, दैट्स राइट. आदर्स इज करेक्ट. ग्रेट यार, ग्रेट. तो यार दोस्तों बेंजिल रेडिकल क्या है? मोर स्टेबल है. तो इसको क्या है कि बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी क्या आएगी? लेस. तो लेस इज द राइट आंसर. ठीक है, क्लियर, ग्रेट. बेंजिल राइट. तो यार ये देखो, ये मैंने आज स्पेशल अपने क्लास में दामिनी का स्क्रीनशॉट लेके मैंने लगा दिया है कि आप सब लोग इससे एडमायर हो, इंस्पायर हो. और हर क्लास में जो लास्ट में मैं आपसे होमवर्क क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप उसका आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पे करो. नीचे जाकर आप यूट्यूब चैनल पे उसका आंसर करो. तो दोस्तों दामिनी हैज़ डन ए ट्रेमेंडस एक्सीलेंट जॉब. सी हैज़ गिवन आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस फॉर सेवेंथ क्वेश्चन. द मेजर प्रोडक्ट विल बी द थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट. और जो इसमें आपका प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, तो वो क्या बनेगा? यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा BR, 1-bromo-2-butene. ठीक है, क्लियर दोस्तों. तो ये बहुत अच्छा बात था. सी हैज़ डन द ग्रेट जॉब. सो गाइज यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट एंड यू कैन गिव द कमेंट इन यूट्यूब चैनल. ठीक है, ठीक है. तो यार होमवर्क क्वेश्चन किया करो. घर में आपके पास बहुत टाइम है, क्वारंटाइन पीरियड है, टाइम का यूटिलाइजेशन करो और क्वेश्चंस किया करो. ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फुर्ती से. तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है? दिस थ्योरी एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन इन कंपाउंड्स, इन केमिकल कंपाउंड्स. ठीक है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उसमें बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है उसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करता है. बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन. क्लियर है? ठीक है यार दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जहां आप स्टडी कर रहे हो, आप रूम में स्टडी कर रहे हो, आपके रूम में हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, आपके रूम में नाइट्रोजन भी अवेलेबल है, पर आपको वाटर नहीं मिल जाता है. क्या आप जिस रूम में बैठे हो वहां आपको वाटर मिल जाता है? कैन यू गेट द वाटर इन योर रूम? कभी भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में कंबाइन होगा और कंबाइन होकर वाटर दे दे? दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो ऐसा क्या है कि ये लोग बॉन्ड बनाते हैं, जो ये आपके मॉलिक्यूल हैं, जो आपका ये एटम्स है, ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये कभी ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाते हैं. दे नेवर फॉर्म बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट में ये बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है. और हमारे रूम में जो भी एलिमेंट है वो किस फॉर्म में? ग्राउंड स्टेट में. तो इसमें बॉन्डिंग कब पॉसिबल है? जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएँ. किस में जाएँ? एक्साइटेड स्टेट में. और एक्साइटेड स्टेट में जाके ये आपका O और ये आपका H आपस में क्या है? पास पास आए और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? शेयर हो जाए. इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए और क्या बन जाए? आपका बॉन्ड बन जाए. तो दैट इज नोन एज द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया है कि ग्राउंड स्टेट में कोई भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. पहले वो ग्राउंड स्टेट से क्या होता है? एक्साइटेड. एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे. इलेक्ट्रॉन जैसे ही ट्रांसफर होंगे उसके बाद बॉन्ड फॉर्म होगा. क्लियर है दोस्तों? हेमा यस राइट राइट. तो दोस्तों कभी भी बॉन्ड बनने के लिए
हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होना चाहिए एक्साइटेड स्टेट में, देन इट विल हाइब्रिडाइज एंड इट विल अंडरगो ओवरलैपिंग। क्या हो कॉन्सेप्ट आता है इसमें? आता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, इन द केस हाइब्रिडाइज्ड और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से आपका क्या होता है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑर्बिटल ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। यस हेमा, यू आर राइट, क्लियर दोस्तों? ठीक है, तो यार इसको किसने दिया था? दिस थ्योरी वॉज प्रेजेंटेड बाई हिटलर एंड लंदन टू एक्सप्लेन हाउ ए कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है दोस्तों, कैन यू टेल मी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीबीटी एंड एमओ? आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बेसिक डिफरेंस है? आदर्श रिफ्रेश कर लो, साउंड आ जाएगा। ठीक है बताओ यार, क्या रेफरेंस, क्या बेसिक डिफरेंस है? यार इसमें हम लोग लेते हैं एओ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है? हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, और वहां हम क्या लेते हैं एमओटी में? हम एमओटी में लेते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एमओ लेते हैं, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है दोस्तों, क्लियर? राइट राइट। तो दोस्तों मेन पॉइंट्स क्या थे थ्योरी के? थ्योरी के मेन पॉइंट्स थे कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड, और ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर फॉर्म द डायरेक्शन इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग, और ऑर्बिटल उस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग करते हैं जहां पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो, मैक्सिमम क्या हो? ओवरलैपिंग हो। और दोस्तों आपको मालूम होगा जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग क्या होती है? ओवरलैपिंग। जैसे आपका ये पी ऑर्बिटल है तो दूसरा भी पी ऑर्बिटल आपका पी जेड पी जेड, यदि जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो पी जेड पी जेड क्या बनाएगा? पी जेड पी जेड बनाएगा सिग्मा पी जेड। क्या बनाएगा दोस्तों? सिग्मा पी जेड। क्लियर है? तो सिग्मा ऑर्बिटल बनता है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है? और जब आपका एक्सिस क्या हो, एक दूसरे के साइड बाई साइड ओवरलैपिंग हो, पैरेलल हो, ठीक है? ये जो ओवरलैपिंग होगी पी एक्स पी एक्स में या पी वाई पी वाई में, पी एक्स या पी वाई, पी एक्स पी एक्स ओवरलैपिंग क्या देगा? पाई पी एक्स। क्या बनेगा दोस्तों? पाई ऑर्बिटल। तो पाई ऑर्बिटल जो होगा वो क्या होगा? वो आपका वीक होगा, वीक इन द सेंस उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी? जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में एरिया कवर्ड होगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस, वेयर एज इन सिग्मा बॉन्ड द एरिया विल बी मोर। इज दैट क्लियर गाइज? क्लियर है? गुड इवनिंग दोस्तों, ठीक है, सही है? ठीक दोस्तों, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो यार जब ये ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड एक्वायर्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट साइन टू गेट स्टेबिलिटी, और जो आपका स्पिन होती है एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी वो क्या होगी? अपोजिट। ठीक है आगे बढ़ते हैं यार। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, जो आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। पहला क्या है? नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, पी डी एंड एफ आर डायरेक्शनल ऑर्बिटल, ठीक है? तो मोर ओवरलैपिंग, एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल तो लेस ओवरलैपिंग, इफ ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल देन देयर इज द मोर ओवरलैपिंग, ठीक है? जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल मतलब को एक्सियल ओवरलैपिंग, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, और जब होगी कोलालेटरल, कोलालेटरल मतलब हमने क्या बताया था? ये बताया था साइड बाई साइड, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग होगी तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी? लेस, तो बॉन्ड क्या होगा? वीक। क्लियर है दोस्तों? तो यार ये था ऑर्डर ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग। सबसे स्ट्रांग जो ओवरलैपिंग होगी सिग्मा पी पी बनेगा, उसके बाद एस पी ओवरलैपिंग होगी, और सबसे वीक क्या होगी? एस और एस ओवरलैपिंग। क्लियर दोस्तों? ठीक है, और अगली बात क्या है? आदर्श दोस्तों बताओ यार, साउंड आ रहा कि नहीं आ रहा? सभी को साउंड आ रहा कि नहीं आ रहा? साउंड आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो आपकी ओवरलैपिंग होगी वो पीपी में होगी, तो पीपी इज मोर स्ट्रांग देन पीएस
एंड द लीस्ट इज एस एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ठीक है। एंड दोस्तों वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, जैसे जैसे आपकी एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी मतलब जैसे जैसे आपका ये ऑर्बिटल से ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये जो आपके सेल्स बढ़ेंगे एन वन एन टू एन थ्री एन फोर, तो आपका बॉन्ड भी क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। एन इज सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर विल बी फॉलोइंग, यदि एन सेम है, यदि एन आपका क्या है टू, इफ एन इज टू तो बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर टू पी मोर स्टेबल देन टू एस टू पी एंड द लीस्ट इज टू एस टू एस, क्लियर, ठीक है। निवेदिता एक बार रिफ्रेश कर लो, साउंड आ जाएगा। दैट्स राइट, दैट्स राइट, क्लियर, ठीक है दोस्तों। अब यार अपन निकालते कैसे हैं, हाउ वी फॉर्म द, हाउ वी फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, इसका निकालने का फंडा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एच निकालने का फंडा क्या है, इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर से कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैंने अपने एक लेक्चर में बताया भी था स्टेरिक नंबर का क्या फार्मूला होता है। द फार्मूला ऑफ स्टेरिक नंबर इज दैट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और यदि आपका क्या हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी काउंट काउंट कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी काउंट कर लेते हैं। इन सबको यदि हम ऐड कर देंगे, और यदि सपोज करो आपका नंबर क्या आया, इफ नंबर कम्स आउट टू बी फोर, फोर मतलब क्या हो जाएगा, एक एस वन एस ऑर्बिटल एंड थ्री पी ऑर्बिटल, दैट विल बी एस पी थ्री, क्या हो गया दोस्तों एस पी थ्री, ठीक है एस पी थ्री ऑर्बिटल हो गया। राइट राइट, ठीक है दोस्तों ये क्लियर है। और एक जो आपने एनसीईआरटी में मेथड पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा है, वो आपने पढ़ा होगा हाफ, हाफ के बाद बैलेंसल इलेक्ट्रॉन वी प्लस मोनो मोनोवेलेंट एटम एम माइनस चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन और प्लस चार्ज ऑन एनायन, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इससे भी निकल आता है, बट ये क्या है बहुत लंबा फार्मूला है, तो आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो, स्टेरिक नंबर से निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम स्टेरिक नंबर, क्लियर है, ठीक है यार। कोई नहीं सुशांत, हम लोग अभी स्टार्ट किया है क्लास और बीबीटी पढ़ रहे हैं, ठीक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अच्छे से क्लियर हो गया, फटाफट लिख के बताओ, बोलना पड़ेगा यार चमका कि नहीं चमका, फटाफट लिखो, क्लियर है, ठीक है यार। तो यार बीबीटी ओवरलैपिंग देख लो, यदि एस एस ओवरलैपिंग बनेगा तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या क्या है दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड के लिए हम लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिया हाइलाइटर, तो दोस्तों ये देख लो यार सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बनेगा एस पी एक्स अलोंग द एक्सिस पी जेड, पी जेड और डी जेड स्क्वायर, पी जेड और डी जेड स्क्वायर भी करेगा तो क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि दोनों में एक्सिस क्या है जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं ये दोनों हो रहे हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो क्या बनेगा सिग्मा, ठीक है क्लियर, ग्रेट यार ग्रेट। आप देखोगे जेई हो या नीट हो, इसमें केमिकल बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल, इसके क्वेश्चंस आने आने हैं, 100% आने हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर दोस्तों। शेखर थर्ड यार ये एस पी एन ये मतलब एस पी टू, ये क्या है, ये आपका एज पर इन्होंने इसको एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ साथ इसने ये वाला क्या ऑर्बिटल है, दिस इज द एमओ ले लिया है, इसने एमओ ऑर्बिटल से भी तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, जो आप बीएमओ और एबीएमओ बनाते हो, तो ये आपका क्या है, एक आपका क्या है एस पी ऑर्बिटल, क्या है एस पी ऑर्बिटल इज द मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और सिंपल एस ऑर्बिटल क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल भी तो क्या बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, क्लियर
ठीक है। अब यार ये देख लो, ज्योमेट्री देख लो, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। ज्योमेट्री क्या होगी दोस्तों? लीनियर। एसपी टू में क्या होगी मालूम होगा आपको? प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, ये लीनियर होगी, बाकी ये ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। एसपी थ्री में टेट्राहेड्रल, डीएसपी टू में क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। डीएसपी टू में क्या होता है दोस्तों? स्क्वायर प्लेनर। एसपी थ्री डी टीबीपी बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, क्लियर। और डी टू एस पी थ्री में क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। एंड एस पी थ्री डी थ्री और डी थ्री एस पी थ्री क्या होगी? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। जैसे कि आपने मॉलिक्यूल पढ़ा होगा IF7, दोस्तों IF7, IF7 में क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है, एसपी थ्री डी थ्री, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे, इसका अभी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे के सारे बहुत ही मैंने आपको कंक्लूजन दिया हुआ है, मैंने बीबीटी का बहुत अच्छे फॉर्म में कंक्लूड करके आपके लिए लाया हूं, ठीक है। एसपी थ्री डी, यार एसपी थ्री डी में भी टीबीपी होगी। एसपी थ्री डी जैसे पीसीएल 5, पीसीएल 5 क्या है? एसपी थ्री डी मॉलिक्यूल है, तो एसपी थ्री डी में भी ज्योमेट्री। अब लेते हैं फटाफट अगला स्लाइड लेते हैं, ठीक है। तो यार ये देख लो, फॉर्मेशन ऑफ पीसीएल 5, फॉर्मेशन ऑफ पीसीएल 5। तो पीसीएल 5 को कैसे बनाते हैं, ठीक है, एज पर बीबीटी, या आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से आपने इसको स्टडी किया होगा, कि ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का दिया हुआ है थ्री, फॉस्फोरस में क्या होगा? 3s2 3p3, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, 3s2 3pt, ठीक है। अब 3p3 क्या होगा? जब एक्साइट करेंगे तो यहां से जो 3p3 है यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है एज पर हुंस रूल, एज पर हुंस, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो ये ऑलरेडी स्टेबल है तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन जंप कहां से करेगा? 3s से। इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा? 3s से, और 3d में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? 3d में, ठीक है। अब जब 3d में आ गया तो इसके पास क्या बची? इसके पास वैलेंसी अवेलेबल हो गई, और इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं सीएल के साथ? 5 बॉन्ड बनाने हैं। तो 5 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए क्लोरीन के 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 5 एटम्स। क्लोरीन में क्या होगा दोस्तों? क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिटल में, ठीक है, क्लोरीन के बैलेंस सेल में जो ऑर्बिटल होगा उसमें क्या होगा? 3p 3p5। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, किसके लिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, शेयर करने के साथ जो इसकी स्पिन होगी, स्पिन क्या होगी? अपोजिट। स्पिन क्या होगी दोस्तों? अपोजिट होगी, और इस प्रकार से ये बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है आदर्श, क्लियर। क्लियरिटी आई कि नहीं आई कि पीसीएल 5 कैसे बनता है, मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग कैसे होती है, बीबीटी का फंक्शन कैसे है? क्लियरिटी हो गई दोस्तों? सबसे पहले आपने ग्राउंड स्टेट लिया, फिर इसको एक्साइटेड स्टेट में गए, एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने के बाद इसमें कितनी वैलेंसी क्रिएट होगी? 5। तो ये 5 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वालों को क्या करेगा? उनके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, पेयरिंग कर लेगा। तो इस प्रकार से PCl5 मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों हमने आज के क्लास में कोबाल्ट मॉलिक्यूल को भी लेके आया हूं मैं, मतलब मैं कॉम्प्लेक्स, हम बीबीटी कहाँ पढ़ते हैं? बीबीटी में केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ कहाँ पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यार दो बातें होती हैं, एक होता है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक क्या होता है दोस्तों? इनर ऑर्बिटल, जिसमें अंदर का डी ऑर्बिटल, मतलब लाइक D2SP3 या DSP2, DSP2 और D2SP3, ये जो आपका इनर डी ऑर्बिटल है, इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। और जब आपका आउटर ऑर्बिटल, मतलब 3D पार्टिसिपेट ना करके 4D पार्टिसिपेट करेगा, तो जब 4D पार्टिसिपेट करेगा तो उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, OOC, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स,
ठीक है। तो आपने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन में। जीवन आई विल टेक अ क्लास, आई विल टेक वेरी सून, बहुत जल्दी हम लेने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यार जब आप देखना, जब आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, अमोनिया क्या है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में जो आपके पास ये डी इलेक्ट्रॉन है, तो डी इलेक्ट्रॉन जो है इनर डी इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग एनर्जी मिल जाती है इनको, ये पेयर्ड कर जाते हैं। जब ये पेयर्ड कर देंगे तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, 3 ऑर्बिटल। तो ये डी के 3 ऑर्बिटल ऑलरेडी पेयर्ड हो चुके हैं, अब यहाँ कोई गुंजाइश नहीं बची है किसके लिए, ओवरलैपिंग के लिए। तो डी के कितने ऑर्बिटल बचे हैं, 2 ऑर्बिटल। तो ये 2 ऑर्बिटल और बाकी आपके एस का 1 ऑर्बिटल और पी के 3 ऑर्बिटल, ये 3p ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल विल अंडरगो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, क्लियर क्लियर। दामिनी यू विल गेट ऑल दिस पीडीएफ, ऑल दिस कॉन्सेप्ट इन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है, क्लियरिटी मिल गई। अब देखो यार, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आप एक नोट करके लिख लो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यदि आपका जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट हो, जैसे कि फ्लोरीन पे प्रेजेंट हो, हैलाइड्स पे प्रेजेंट हो, या ऑक्सीजन पे प्रेजेंट हो, तो ऐसे जो लीगेंड होते हैं, दीज लीगेंड्स आर द वीक फील्ड लीगेंड। ये क्या होता है दोस्तों, वीक फील्ड लीगेंड होता है, और वीक फील्ड लीगेंड में पेयरिंग एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है, तो ये पेयर नहीं कर पाएंगे। जब ये पेयर नहीं कर पाएंगे तो डी ऑर्बिटल, अब आपका पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और जब ये नहीं करेगा तो दोस्तों क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा दोस्तों, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पराग, आदर्श, शेखर, जीवन, क्लियर है यार। और दोस्तों हमेशा याद रखना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मूवमेंट, जो बोहर मैग्नेट्रॉन निकालते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा आपका, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने की गुंजाइश नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। बट इन द केस ऑफ ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का क्या फंडा होगा, म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू, अंडर रूट एन एन प्लस टू बोहर मैग्नेट्रॉन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों, ये तो आपने पढ़ा होगा, क्लियर है, यस राइट जेसिका, क्लियर। चलते हैं, और यार लास्ट में आज के चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक को बोलते हैं ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल क्या बोलता है, व्हाट इज द ड्रैगोज रूल, राइट आदर्श, दैट्स राइट। तो आप आदर्श, आपको जब इतना बढ़िया ऐप लगा, इतना पसंद आया, तो आप अपने क्लासमेट्स को, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, आप जहाँ स्कूल में पढ़ते हो, हर जगह इसको आप एकदम वायरल कर दीजिए, वायरल कर दीजिए हमारे ऐप को। और अभी आप अपने सभी दोस्तों को बोलिए कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये ड्रैगोज रूल पढ़ लो, अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज व्हेन सेंट्रल एटम ऑफ कंपाउंड इज थर्ड पीरियड, एटम क्या हो, थर्ड पीरियड का, जैसे फॉस्फोरस हुआ, ठीक है, सल्फर हुआ, तो आपने देखा होगा कि H2O में तो होता है हाइब्रिडाइजेशन, पर H2S में नहीं आता है, और इसी प्रकार से अमोनिया में तो होता है हाइब्रिडाइजेशन, पर फॉस्फीन में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द ड्रैगो रूल, ठीक है। इसलिए इनमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, अप्रॉक्स 90, क्योंकि प्योर पी और प्योर एस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनके बीच में जो ज्योमेट्री होती है वो आपका इस टाइप से पड़ा होगा ये, ठीक है। और यहाँ पर ये वन, सारे के सारे 90 डिग्री में, सारे के सारे किस में होंगे, सारे ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल 90 डिग्री में एक दूसरे के रहेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो यार इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श ड्रैगो रूल बता रहे हैं। ड्रैगो रूल में आपका जो ये सेंट्रल एटम है वो किससे होना चाहिए, थर्ड पीरियड से, एंड द लोन पेयर इज प्रेजेंट इन स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल, और जो लोन पेयर होना चाहिए वो लोन पेयर किस में होना चाहिए, एस ऑर्बिटल में, क्लियर। एंड बॉन्डिंग विल टेक प्लेस थ्रू प्योर पी ऑर्बिटल, ये मैंने बताया था, जो बॉन्डिंग होगी वो किसके थ्रू प्लेस होगी,
बॉन्डिंग विल टेक प्लेस थ्रू प्योर पी ऑर्बिटल। ठीक है दोस्तों, ये प्योर पी ऑर्बिटल के थ्रू ये इंपॉर्टेंट है, बॉन्डिंग विल टेक प्लेस थ्रू प्योर पी ऑर्बिटल बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2.5। मतलब जो आपके सराउंडिंग एटम में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि 2.5 जो वैल्यू होती है वो कार्बन की होती है, तो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, देन देयर इज द ड्रैगो रूल। हेमा, ड्रैगो रूल आपका जो है ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है, जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ड्रैगो रूल से, इसलिए आपने देखा होगा जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो तो आपने कभी PS3 का हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा होगा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन PS3, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन आर्सेनिक हाइड्राइड, आपने कभी ये स्टडी नहीं किया होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि फास्फोरस क्या होता है, थर्ड पीरियड एलिमेंट, और फास्फोरस के जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी क्या है, हाइड्रोजन, तो दोस्तों जो पड़ोसी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, काफी कम है, तो ये एस ऑर्बिटल में को छेड़छाड़ नहीं करेगा, मतलब ये बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा क्रिएट नहीं करेगा। यदि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन भी बढ़ने के चांस हैं, रिपल्सन भी बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फंडा है इसका। मिसावी आपने कहां भेजे थे क्वेश्चंस, मिसवा, ठीक है, ग्रेट हेमा यार, राइट। तो हेमा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करिए और वहां पर आप सारे होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर लिखिए, ठीक है यार। कल्पना देखो, अमोनिया में क्या है, सेंट्रल एटम क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं होता है, क्लियर, इसलिए यहां पर आपका हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस होगा। लेकिन फास्फोरस क्या है, थर्ड ऑर्बिटल, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, साइज में बड़ा है, तो जो ये आपका बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होगा, बहुत कम, क्योंकि पड़ोसी में हाइड्रोजन है, पड़ोसी क्या है, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, इसके चलते यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस नहीं होता है। जब हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस होगा नहीं तो sp3 मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, sp3 मॉलिक्यूल जनरेट होगा नहीं, इसका मतलब जो लोन पेयर है वो s में आराम से पड़ा हुआ है, लोन पेयर है वो s में पड़ा है, क्योंकि s ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, s ऑर्बिटल डजन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, दैट्स वाई देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व्ड इन फॉस्फीन H2S, इन सभी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व्ड नहीं होता है, इज दैट क्लियर, ठीक है यार, याद रखना कि s ऑर्बिटल प्योर होता है, इसमें s ऑर्बिटल क्या होता है, प्योर, क्योंकि sp3 होगा नहीं, जब हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं तो s ऑर्बिटल क्या होगा, प्योर। देखो, देयर आर टू वैरायटी ऑफ ऑर्बिटल, वन इज द प्योर एंड वन इज द हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, डीजनरेट, एनर्जी क्या होती है, इक्वल, बट प्योर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उनकी एनर्जी में होता है डिफरेंस, और वो आपकी ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं करते हैं, तो नोटबुक में लिख लो ड्रैगोस रूल और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है वैष्णवी। अदर्स यू जस्ट फोकस बाय योरसेल्फ, ओके। आपको मालूम पड़ेगा कि आप जब जेई दोगे, नीट दोगे, तो आप कितने आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, राइट, ड्रैगोस रूल क्लियर हो गया, ठीक है। इसलिए इन सब में क्या होता है, ड्रैगोस रूल में जो आपका ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब करो क्वेश्चंस करो यार, नाउ दिस इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस, नाउ पार्टिसिपेट इन द क्वेश्चंस एंड गिव मी द आंसर, फटाफट फुर्ती से करो यार। ठीक है यार, बताओ इसका आंसर, फटाफट लिखो यार चैट में, बताओ क्या आंसर होगा। स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड हाइब्रिडाइज्ड एन एंड बी एटम्स इन 1:1 कॉम्प्लेक्स ऑफ NH3BF3।
तो दोस्तों जब इनके बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्या होता है, व्हेन वी हैव द कॉम्प्लेक्स तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, ठीक है यार। तो NH3 क्या होगा, NH3 अपना लोन पेयर, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर, जो आपका बोरॉन है, बोरॉन को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट मतलब डोनेट करता है, पार्सली डोनेट करता है। और जब पार्सली डोनेट करेगा तो दोनों में आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द फंडा ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो लोन पेयर तो अब बचा नहीं है, डोनेट हो गया, पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तीन सिग्मा बॉन्ड ये हो और एक क्या है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो फोर आया। और इसमें भी कितना आया, स्टेरिक नंबर फोर, स्टेरिक नंबर फोर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। क्या होगा दोस्तों, sp3। तो देखते हैं सबसे पहले किसने आंसर दिया, नचिकेत। जीवन जीवन, व्हाट्स योर डाउट जीवन, आस्क। नचिकेत इज द राइट, आदर्श। तो ज्योमेट्री क्या होगी दोस्तों, व्हाट विल बी द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होगी यार, जीवन। बैक बॉन्डिंग जो हम पढ़ते हैं, बैक बॉन्डिंग हम कहाँ पढ़ते हैं, जब बैक बॉन्डिंग में आपका क्या होता है, आपका जैसे हमने BF3 मॉलिक्यूल लिया, BF3 मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग में क्या है कि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो बोरॉन का ऑक्टेट कहाँ से कंप्लीट होगा, फ्लोरीन के लोन पेयर से, जो फ्लोरीन के एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बैक से बॉन्डिंग करेगा, बैक से धक्का मारेगा और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे तो क्या होता है, टू पी बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग क्या बोलते हैं, पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो यार ये एक अलग टॉपिक है, बैक बॉन्डिंग BBT का टॉपिक नहीं है, ठीक है यार, इसलिए मैंने बैक बॉन्डिंग अभी डिस्कस नहीं की है, ठीक है। जीवन योर डाउट इज क्लियर, जीवन डाउट क्लियर है। तो यार देवांश, फ्लोरीन, फ्लोरीन को कहाँ पॉजिटिव चार्ज मिला है, वेयर वी हैव गेट द पॉजिटिव चार्ज ऑन फ्लोरीन, यहां तो कोई क्वेश्चन नहीं है। BF3 एंड NH3, NH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो NH3 डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, बोरॉन के पास। तो बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बोरॉन के पास निगेटिव चार्ज आएगा, फ्लोरीन के पास नहीं आएगा, ठीक है। तो यार देखते हैं किसका राइट आंसर है दोस्तों, द राइट आंसर इज ए। दोनों क्या होंगे, अब लोन पेयर ने तो, लोन पेयर तो चला गया ना आपका बॉन्डिंग में, लोन पेयर कहाँ चला गया, बॉन्डिंग में। जब लोन पेयर होता तब ज्योमेट्री होती पिरामिडल, अब तो लोन पेयर बचा ही नहीं, तो लोन पेयर जब नहीं बचा तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी दोस्तों, टेट्राहेड्रल यार, जब लोन पेयर बचा नहीं आपके पास, व्हेन देयर इज नो लोन पेयर इन नाइट्रोजन, जब लोन पेयर होता है तो लोन पेयर क्या करता है, रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन करता है, इसीलिए तो आपके इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट होते हैं और जो ज्योमेट्री होती है वो क्या बन जाती है, टेट्राहेड्रल से क्या बन जाती है, पिरामिडल। इसलिए अमोनिया की जो ज्योमेट्री है वो क्या है, पिरामिडल। द शेप ऑफ अमोनिया इज व्हाट, पिरामिडल है। लेकिन दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जब लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है तो फिर आपका जो शेप है वो तो शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अमोनिया का जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का दोस्तों, जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहाँ चला गया, डोनेट, बोरान के पास, तो BF3, ये BF3 है दोस्तों, तो BF3 के पास गया तो BF3 में आ जाएगा, BF3 विल गेट प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं, माइनस, BF3 विल गेट माइनस, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया है, नाइट्रोजन से, इट विल गेट प्लस, ठीक है दोस्तों। तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, इज दैट क्लियर। हेलो हापुर, अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों, फटाफट लिखो यार, अब तो कोई डाउट नहीं है यार दोस्तों। जब लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, जब लोन पेयर होगा तब ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होगी, जब लोन पेयर ही नहीं है तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होगी नहीं। ज्योमेट्री डिस्टॉर्शन के पीछे क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, अब रिपल्सन बचा ही नहीं, जब रिपल्सन होगा नहीं तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। जीवन आपका डाउट क्लियर हो गया,
ठीक है। अब यार ये बताओ यार, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बताओ यार, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के क्वेश्चंस हर साल आता है, NO2+, NO3- एंड NO2, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन नाइट्रोजन, क्या होगा? ग्रेट, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है ABCD में। आदर्श, सबसे पहले आंसर आया हमारे पास जेवा, जेवा इज लीडिंग द पोल। जेवा के बाद सेकंड नंबर पे हैं देवांश, थर्ड पे है मनोहर, फोर्थ पे आदर्श, क्यूट गर्ल प्रेटी, फिफ्थ पे नचिकेत। तो यार जो सही आंसर है वो देखते हैं क्या है, ठीक है। देखो यार, NH4+ में तो होगा SP3, NH4+ में क्या होगा SP3, ठीक है। और आपका NO3- में क्या होगा SP2, ठीक है। और NO2+ क्या बचा होगा, NO2+ में होगा SP। तो बी इज द राइट आंसर, आप सभी का सही है, द राइट आंसर इज बी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप जरूर इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो जिन्होंने भी राइट आंसर दिया हो वो अपना विक्ट्री का साइन बना दे फटाफट फुर्ती से। यस कल्पना, राइट। जीवन, ग्रेट। देवांश इज ऑल्सो राइट। तो दोस्तों ये देख लो यार, व्हाट इज द फंडा, इन्होंने ऐसे निकाला है, इस तरीके से निकाला, जो वो वाला फंडा था आपका, हाफ हाफ के बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन, ये फंडा था, इससे निकाला है। तो इससे क्या आया है, एक स्टेरिक नंबर आया 4, एक स्टेरिक नंबर आया 3, एक स्टेरिक नंबर आया 2। दो स्टेरिक नंबर मतलब SP, 3 स्टेरिक नंबर मतलब SP2, और आपका 4 स्टेरिक नंबर मतलब SP3। गुड इवनिंग पायल, ग्रेट। तो गाइस आई थिंक इट्स क्लियर, ऑल ऑफ यू आर क्लियर। NH4+ में देखोगे यार कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, NH H एंड H, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड एंड नो लोन पेयर, लोन पेयर आर 0, दैट्स वाई स्टेरिक नंबर इज 4। 4 मीन्स SP3, 4 मीन्स SP3। NO3- का फर्स्ट मेथड से, तो देख लो यार, NO3- का पहले वो बना लो, स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या बनाओ दोस्तों, स्ट्रक्चर बनाओ। तो यार कभी भी आप एक, आज मैं आपको वो दे देता हूँ, गुरु मंत्र दे देता हूँ, आप इसको समझ लेना, कभी भी आप किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी आयनिक स्पीसीज का स्ट्रक्चर बनाओ तो सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखो, किसको लिखो, सेंट्रल एटम सबसे पहले बनाओ। तो इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा, जो आपका लेस नंबर में है, ठीक है, नाइट्रोजन। तो सबसे पहले क्या बना लो, नाइट्रोजन बना लो। अब नाइट्रोजन बनाने के बाद इसमें क्या बनाओ, O3, तो यार एक O यहां आ गया, ठीक है, बाकी इसने एक ओ के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड कर लिया, और एक के साथ क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लिया, और इस ओ पर क्या आ गया, माइनस, ओ पर क्या आ गया, माइनस। सो नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम एंड द पेरिफेरल मतलब नेवर एटम्स आर ऑक्सीजन, दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली ऑक्टेट, ऑक्टेट इज कम्प्लीटली फिल्ड, हियर इज ऑल्सो ऑक्टेट कम्प्लीट, बट हियर इज हाइपो ऑक्टेट, ऑक्टेट कम्प्लीट नहीं है, दैट्स वाई निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो देख लो यार, स्टेरिक नंबर निकाल लो, कितना स्टेरिक नंबर होगा, वन सिग्मा, वन सिग्मा, वन सिग्मा, तो हाउ मेनी सिग्मा, 3 सिग्मा। इफ 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट विदाउट लोन पेयर, दैट मीन्स इट्स स्टेरिक नंबर इज 3। कितना स्टेरिक नंबर है, 3। क्लियर दोस्तों? और 3 है तो 3 में क्या होता है, SP2। 3 में क्या आता है दोस्तों, SP2। अब क्लियर है, अभी लिखो फटाफट, क्लियरिटी मिली, समझ में आया, बढ़िया से चमक गया, ठीक है। संदीप, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन लिया जाए फुर्ती से, अगला क्वेश्चन लिया जाए यार, ये बताओ यार,
दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज. ठीक है, ये जो हमने स्पीसीज लिया है इसमें बताना जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन प्लेटिनम फास्फोरस एंड बोरॉन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा. बताओ यार फटाफट. देखो यार अमोनिया में तो NH3 होगा, अमोनिया में क्या होगा NH SP3, अमोनिया होगा SP3. और दोस्तों एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जो आपके 4D एंड 5D, ये जो आपके दो हैं 4D एंड 5D, तो 4D एंड 5D जो आपके ये सीरीज है 4D सीरीज एंड 5D सीरीज में जो आपके सेंट्रल एटम्स होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इस इनमें आपका इररिस्पेक्टिव ऑफ वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दे जनरली फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. वो क्या बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है. क्या ज़्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. 4D एंड 5D ऑर्बिटल्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है बिकॉज द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल. ये आपने पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि डी एंड एफ ऑर्बिटल के जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, पुअर, जिसके चलते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. इसके लिए क्या होता है कि 4D एंड 5D सीरीज के जो भी कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें डी ऑर्बिटल, जो आपका डी एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट विल ऑलवेज अंडरगो IOC. क्या बनाएगा वो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. क्लियर. जीवन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो आपका होता है न्यूक्लियस की पुलिंग कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में ये न्यूक्लियस कितना अच्छा उसको पुल कर सकता है, पुलिंग कैपेसिटी. ठीक है, या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अदर्स राइट. ठीक है, तो यार ये बताओ कि अब आंसर क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर. तो यार आप सभी को राइट आंसर देना चाहिए क्योंकि NH3 का क्या होगा, SP3, और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जिसमें SP3 पहले दिया हो, केवल और केवल बी ऑप्शन है. सो ऑप्शन बी इज द राइट. दोस्तों ऑप्शन बी क्या है, राइट. अमोनिया में क्या होता है, SP3. तो मैक्सिमम लोगों ने राइट आंसर दिया. एंड देवांश, शेखर आनंद, ठीक है, शेखर आनंद, आदर्श इज लीडिंग द पोल में आदर्श सबसे टॉप चल रहा है. तो दोस्तों आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, BBT में कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में रिफ्रेशमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, फटाफट बताओ यार, फटाफट लिख दो यार, फटाफट फुर्ती से मार रहा. ग्रेट यार, हाय प्रिया, यस यार, यही चीज चाहिए. आप एक बार मेरी क्लास से कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ तो उसके बाद आप दुनिया भर की किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा लो, आपके सारे क्वेश्चन बनने चाहिए. एक मेंटोर का यही काम है कि जो हमारे मेंटीज हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, एक इंटरेस्ट लेवल आ जाना चाहिए. दैट इज़ ओनली माई मेन मोटो. मेरे पढ़ाने का केवल एक ही मोटो है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो और सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सको. ठीक है भाई, ओके, ग्रेट यार, ठीक है, चला जाए. अब यार इसने निकाला है, उस फंडे से निकाला है, ठीक है, बट हमारा फंडा एप्लीकेबल है. अब यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, दिमाग की बत्ती जलानी होगी आपको. दिस इज द बूम कॉन्सेप्ट, मेंटोस कॉन्सेप्ट है. थैंक्स हेमा, थैंक्स जीवन, ठीक है यार. दोस्तों
फटाफट फुर्ती से बताओ यार, फुर्ती से बताओ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, एडवांस में आया था 2015 में। ये इस एक क्वेश्चन को करने से आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारा का सारा बीबीटी का निचोड़ है। ठीक है, यस नचकेत, थैंक्स नचकेत। अब यार इसका आंसर बताओ, अमंग द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये सारे कैसे हैं ट्राई एटॉमिक, तीन एटम है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, द टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स आयंस वेयर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द डी ऑर्बिटल। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन डी ऑर्बिटल से नहीं है, मतलब वो DSP2 भी नहीं है, SP3D या SP3D2 नहीं है, D3SP3 नहीं है, और मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए साइज में लीनियर, क्या होना चाहिए साइज में लीनियर। तो टेल मी द आंसर, मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूं, ठीक है, चार ऑप्शन दे दे रहा हूं, फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, आई हैव गिवेन यू ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए दे दिया मैंने आपको 3, ऑप्शन बी दे दिया मैंने आपको 5, ऑप्शन सी दे दिया 4, ऑप्शन डी दे दिया कितना 6। अब बताओ यार क्या आंसर होगा, बताओ यार ABCD में। हेमा, XCF2 जो आपने लिखा है, XCF2 आपका होता तो लीनियर है, बट XCF2 में जब आप निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन तो क्या निकल के आएगा, XC में कितने लोन पेयर बचे, XC में देखो यार इसने दो बना लिए बॉन्ड, जिनॉन में कितने होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, 8, 8 में से दो चले गए बॉन्ड में, तो कितने लोन पेयर बचे, लोन पेयर बचे दोस्तों 3, कितने बचे लोन पेयर 3, तो 3 + 2, तो 3 + 2 मतलब 5, और यार जब स्टेरिक फैक्टर 5 होगा तो दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP3D, राइट, SP3D। क्वेश्चन में क्या बोला था कि लीनियर होना चाहिए बट सेंट्रल एटम में कंट्रीब्यूशन डी ऑर्बिटल से नहीं होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूशन डी ऑर्बिटल से नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, दामनी, दामनी इज लीडिंग द पोल, दामनी एक्सीलेंट, यू आर द राइट। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है 4, ऑल दीज आर राइट, जिन्होंने 4 दिया है वो सभी सही हैं। ठीक है, 3 नहीं होगा 4 होगा, 4 इज द राइट। देखो यार आप इसको देखो, BeCl2, BeCl2 क्या होगा लीनियर, BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा SP। ठीक है, N3-, N3- में भी डी ऑर्बिटल नहीं है, N3 नाइट्रोजन में भी डी ऑर्बिटल नहीं है, N2O इसमें भी डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये सारे क्या होंगे, ये तीन तो ये हो गए, XCF2 होगा नहीं, और NO2+, दोस्तों NO2+ में भी क्या है, NO2+ में भी आपका क्या है एस ऑर्बिटल, और ये क्या है SP, ये भी SP है, ये भी SP है, ये लीनियर है और ये भी SP है, तो 4 आर द राइट आंसर। और O3, ओजोन का क्या होता है दोस्तों, ओजोन का होता है एंगुलर शेप, एंगुलर बी शेप होता है। ICl2- आयोडीन और XCF2, इन तीनों में शेप तो होगा क्या, शेप होगा लीनियर बट हाइब्रिडाइजेशन होगा SP3D, क्या होगा SP3D, यस राइट। तो जिन्होंने भी राइट आंसर दिया था वो जरा विक्ट्री का साइन बना दे फटाफट। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, देख लो यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इसको देख लो फटाफट, ये देखो BeCl2, मैंने आंसर लेके आया हूं मैं आपके लिए, BeCl2 में कितने बॉन्ड बनेंगे, केवल और केवल आपके दो बॉन्ड बनेंगे, तो स्टेरिक नंबर कितना आया 2, और जब स्टेरिक नंबर 2 होगा तो दोस्तों क्या होगा SP, N3- को बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड से जो आता है एजाइड आयन, दिस इज दोस्तों क्या है एजाइड, और एजाइड आयन हमेशा याद रखना SP होता है, एजाइड आयन क्या होता है लीनियर, एजाइड आयन दोस्तों क्या होगा लीनियर। ठीक है, तो ये याद रख लेना यार, ठीक है, माइनस और इस पे प्लस, तो एजाइड आयन इज ऑल्सो SP। इसके बाद यार SCl2, तो ये SP3 होगा, शेप क्या होगा एंगुलर, ICl3- तो लीनियर होगा पर SP3D है और हमें डी ऑर्बिटल नहीं चाहिए, और आपका ये NO2+ है, NO2+ क्या है SP। ठीक है, ये आपका ओजोन है, ओजोन क्या होता है
आपका क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर SP2, ठीक है, और N2O, ये N2O क्या है, लीनियर। तो आंसर क्या होगा, BeCl2 एजाइड आयन N2O एंड NO2, तो राइट आंसर आर फोर, दिस फोर आर द लीनियर, दिस फोर आर द लीनियर, राइट, क्लियर है, सभी को क्लियर है दोस्तों। मैंने पहले बताया था कि हमें डी ऑर्बिटल नहीं चाहिए, हमें डी ऑर्बिटल नहीं चाहिए, ठीक है, मस्त, क्लियर है एकदम, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है दोस्तों। हमेशा मैं आपको एक बता दूं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसको मैं इसको यहां से हटा देता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो आपके लीनियर होते हैं बट उसमें हाइब्रिडाइजेशन SP नहीं होता है, क्योंकि लीनियर के लिए आपने पढ़ा होगा कि लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन SP, बट ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। I3 माइनस क्या होता है, लीनियर, बट इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, SP3D, ठीक है। उसके बाद XCF2 भी क्या होता है, लीनियर, ठीक है, क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इनमें SP और हाइब्रिडाइजेशन नहीं है बट स्टिल दे आर लीनियर बिकॉज देयर ज्योमेट्री इज लीनियर, क्योंकि आपको मालूम होगा लोन पेयर कितने होंगे जीनोन में, थ्री, और लोन पेयर क्या ऑक्यूपाई करते हैं, लोन पेयर ऑक्यूपाई करते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। जब इक्विटोरियल में लोन पेयर आ जाएंगे तो एक्सीएल में क्या आएंगे, एक्सीएल में आएगा आपका बॉन्ड, एक्सीएल में क्या आएगा, बॉन्ड, और यार एक्सीएल में बॉन्ड आएगा तो लोन पेयर तो क्या है, लोन पेयर तो आपका सेफ सेफ डिफाइन नहीं करते हैं दोस्तों, सेफ क्या डिफाइन करता है, बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर किस में आ रहा है, लीनियर में आ रहा है, बॉन्ड पेयर क्या आ रहा है, एक सेम लीनियरिटी बना रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर जनरेट लीनियरिटी इन XCF2 एंड I3 माइनस एंड ऑल लोन पेयर ऑक्यूपाइज इक्विटोरियल, लोन पेयर क्या ऑक्यूपाइज करते हैं, इक्विटोरियल, ठीक है दोस्तों। अब क्लियर हो गया कि हम ज्योमेट्री कैसे बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिया जाए, यार ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बूम बूम कॉन्सेप्ट है, दिमाग की बत्ती आपकी जलने वाली है, तो दोस्तों आप थोड़ा सोचो और फुर्ती से 5 मिनट के अंदर आंसर बताओ। मैं ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन ए है आपका 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2, बताओ क्या आंसर होगा। यार गाइस, नॉट दामिनी नॉट जीवन, यू ऑल आर ग्रेट, यू ऑल आर अमेजिंग, बस आपको अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको फोकस करना है, चैनलाइज करना है और पूरी तरीके से कंसंट्रेट होके केमिस्ट्री में फोकस करना है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। हम जो भी क्वेश्चंस लेके आते हैं, यदि आप हमारी स्लाइड्स के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाएगा, और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया देन यू आर आप फोड़ दोगे और यू ऑल विल डू ग्रेट। तो इसी तरीके से यार पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और फोड़ते रहो, ठीक है। अब बताओ यार किस कौन दे रहा राइट आंसर, हमें बताना है कि ये आपके XZ4 आपके ये क्या है, स्पीसीज हैं, और इसमें बताना है कितने आपके क्या होंगे, हाँ कितने क्या होंगे, प्लेनर, क्या बोला है, स्क्वायर प्लेनर, और यार स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन DSP2, क्या होना चाहिए, DSP2, या तो DSP2 हो या फिर क्या हो, स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर में SP3D2 हो विद टू लोन पेयर, SP3D2 विद टू लोन पेयर, सेंट्रल एटम पे क्या हो, टू लोन पेयर, जैसे XCF4 दोस्तों, जिनॉन जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, XCF4 जिनॉन टेट्राफ्लोराइड जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका भी होगा स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि इसमें जिनॉन के ऊपर, जिनॉन के पास कितने लोन पेयर बचे होंगे, दो, तो SP3D2 विद टू लोन पेयर, ठीक है, टू लोन पेयर इज ऑल्सो स्क्वायर प्लेनर। अब यार बता दो आंसर, बता दो फटाफट, ठीक है फटाफट लिख दो यार,
यस फोर, जिन्होंने भी फोर दिया है, स्टार्क इज राइट, स्टार्क लीडिंग द पोल, देवांश इज ऑल्सो राइट। दोस्तों फोर इज द राइट आंसर, फोर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, डिस्कस किया जाए इसको। यार देखो, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड होगा, SF4 नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, दो लोन पेयर, एक लोन पेयर बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सीसॉ। SF4 क्या होता है दोस्तों, सीसॉ स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, सीसॉ स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा NCERT में। ठीक है, SiF4 तो होगा ही नहीं यार, ये टेट्राहेड्रल होगा, ये भी नहीं होगा। अब यार ये बताओ, BrF4- बताओ, हाँ ठीक है। और यार PtCl4 होगा, क्योंकि ये क्या है आपका, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं होगा, ये आपका होगा, ये नहीं होगा, तो कितने हो गए, 1, 2, 3 एंड BrF4-। ठीक है, ब्रोमीन में क्या आ जाएगा, एनायन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो दिस विल बिहेव एज ए जिनॉन, तो यहाँ पर भी क्या होगा, दो लोन पेयर, D2 स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, SF4 इस सी सॉ, तो ये नहीं होगा, ये होगा, SiF4 टेट्राहेड्रल, ये भी नहीं होगा, BF4- टेट्राहेड्रल, BrF4- स्क्वायर प्लेनर, अमोनिया का ये जो कॉम्प्लेक्स है CU कॉम्प्लेक्स, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर प्लेनर, FeCl4-, दिस इज नॉट स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल, क्योंकि ये क्या बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या बनाएगा दोस्तों, वीक फील्ड लिगेंड क्या बनाते हैं, मैंने पहले बताया था, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहाँ भी वीक फील्ड लिगेंड है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये यार देखो, प्लेटिनम किस सीरीज का है, 4D 5D से जो भी होंगे, 4D और 5D से जो भी होंगे, प्लेटिनम 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 5D से है, और प्लेटिनम किससे, PD 4D से, तो ये क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर, ये क्या होते हैं दोस्तों, स्क्वायर प्लेनर। दोस्तों था मजेदार क्वेश्चन, था मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाला, दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली आपको, काफी आपको एक क्वेश्चन में काफी है क्वेश्चंस करने को मिले कि नहीं मिले। ठीक है, आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन लिया जाए। अब यार ये बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर, बताओ यार क्या राइट आंसर होगा, द डिक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ बॉन्ड एंगल्स फ्रॉम अमोनिया टू SbH3 डाउन ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज ड्यू टू, क्या रीजन होगा। गुड इवनिंग सोनू, अदर्स आई एम टेलिंग दिस टाइम, इन दिस टाइम देवांश, देवांश इज लीडिंग द पोल, देवांश इज लीडिंग द पोल दिस टाइम, देवांश। ठीक है, बताओ यार क्या आंसर होगा, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ बॉन्ड पेयर। फटाफट बताओ, यस दामनी, ग्रेट दामनी, दामनी लीडिंग द पोल, अदर्स यू आर ऑल्सो राइट, सुहानी, गुड इवनिंग सुहानी। ठीक है यार, ये जेई ने पूछा था 2006 में, बताओ फटाफट आंसर क्या होगा इसका, फटाफट बताओ यार, फुर्ती से लिखो। दामनी COCl4 यार, कोबाल्ट जो होगा COCl4, COCl4 जो आपने देखा था, ये देखो यार COCl4-, में क्या है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, तो यार वीक फील्ड लिगेंड जहां भी होगा और बाहर क्या है, 2-, तो कोबाल्ट में जब आप निकालोगे ऑक्सीजन स्टेट तो क्या आएगी, कोबाल्ट की 2+ आएगी, और 2+ आएगी तो यार जो भी डी ऑर्बिटल होगा, कोबाल्ट का क्या होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 27, 27 होगा, तो ये क्या होगा, 3d7, 3d7 और 4s2 से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 4s क्या पड़ा होगा, 0, तो s के s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आ चुके होंगे और क्या बना देगा, sp3, तो यार एक
हमेशा पॉइंट याद रखना, कभी भी हैलाइट दिख जाए तो उसमें तो आंख बंद करके डाल देना एसपी। और कोबाल्ट किस सीरीज का है? कोबाल्ट 3D सीरीज का है यार। कोबाल्ट किस सीरीज का है? 3D सीरीज का है, तो हमेशा डाल देना SP3। ठीक है, ये आपका बनाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा दोस्तों? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द वीक फील्ड लिगेंड। हैलाइड इज द वीक फील्ड लिगेंड, हैलाइड इज द वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर? बताओ यार इसका क्या आंसर होगा, फुर्ती से बताओ। द राइट आंसर इज, दामनी हैज गिवन द राइट आंसर, द बी इज द करेक्ट। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब घटती है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बहुत ज्यादा है, अब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई आपकी, घट गई। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई आपकी, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कुछ लोगों को डी डी ऑर्बिटल, जो आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन भी हो सकता था, बट यहां पर SP3 नहीं होगा, क्योंकि आपका केवल और केवल अमोनिया में SP3 बनेगा, बाकी जो भी आपके कंपाउंड्स हैं, जो भी हाइड्राइड्स हैं, उसमें प्योर पी और प्योर एस ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, प्योर पी और प्योर एस ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, तो वहां हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। बट ये सही है कि पी ऑर्बिटल करेक्टर बढ़ता है, पी ऑर्बिटल करेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो यार देखो, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यार बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन के ही स्कोप की हो गई, हाइड्रोजन के ही स्कोप, हाइड्रोजन के आसपास की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी, तो ये रिपल्सन क्या होगा, बढ़ जाएगा। बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यार ऑल आर ग्रेट, राइट राइट। यार देखो, और एक चीज और भी मैंने एक्सप्लेन की है, दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन बाई द फैक्ट दैट साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बिकम मोर डिस्टिंक्ट विद इंक्रीज साइज ऑफ सेंट्रल एटम। प्योर पी ऑर्बिटल, देखो यार ये मैंने बताया था, प्योर पी ऑर्बिटल यूटिलाइज, ये तो आपको मालूम है ना, प्योर पी ऑर्बिटल यूटिलाइज इन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या यूज होता है, प्योर पी ऑर्बिटल। ठीक है दोस्तों, सही है, क्लियर है, फुर्ती से बताओ। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ यार फटाफट। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, यार एक मिनट, तुम क्या बोल रहे हो, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ेगा, तो ज्योमेट्री में क्या है कि श्रिंक आएगा ना। लोन पेयर, जब लोन पेयर का रिपल्सन होता है, तो ज्योमेट्री क्या होती है, एक्सपेंड होती है। क्लियर, आगे चला जाए, ये बताओ यार फटाफट, ये क्वेश्चन बताओ। यार ये वाला क्वेश्चन बताओ फटाफट, साउंड आ रहा है दोस्तों? साउंड बताओ यार। ये पूछ रहा है कि द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये बता रहा है कि द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन एटम इन जीवन, क्या बोल रहे हो, लोन पेयर इज डिक्रीजिंग ना। यस, लोन पेयर ऑलवेज डिक्रीजेस द बॉन्ड एंगल, बट इन द केस ऑफ
नाइट्रोजन ग्रुप्स, नाइट्रोजन ग्रुप्स में क्या है, जो बॉन्ड पेयर का तो रोल है ही, साथ में जो दूसरा रोल है, जो दूसरा रोल है वो किसका है, प्योर पी ऑर्बिटल का। जब प्योर पी ऑर्बिटल होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं, तो जो ऑर्बिटल है s और p ऑर्बिटल वो किस में पड़े होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के होंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री के आसपास। इसलिए उसका जो एक एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन आता है ड्रैगो रूल से। किससे आता है, ड्रैगो रूल से। इसलिए क्लास के स्टार्टिंग में मैंने ड्रैगो रूल बताया था, ठीक है। अब बताओ यार, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन एटम इन बोरिक एसिड, बोरिक एसिड में क्या होगा, बोरिक एसिड क्या होता है दोस्तों, H3BO3। तो बोरॉन में एंड ऑक्सीजन में क्या होगा, बोरॉन एंड ऑक्सीजन, प्रेटी, हेमा, प्रिया, या एवरीबॉडी इज डूइंग वंडरफुल जॉब यार, आप सभी का सही आंसर दे रहे हो, आप सभी, बी इज द राइट आंसर। इसमें आप कैसे बनाते हो, बोरॉन होता है सेंट्रल एटम OH, और ये आपका क्या है OH, और एक OH यहां से लग गया, एक OH यहां से लग गया, ये क्या बन गया, बोरॉन का क्या हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन, BOH और BOH, क्लियर। तो क्या हो गया, H3BO3, ठीक है। अब यार ये बताओ, ठीक है, तो राइट आंसर इज बोरॉन में क्या हो जाएगा, sp2, और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, sp3। तो बी इज द राइट आंसर, बी क्या है, राइट आंसर। यस प्रिया, यू आर राइट यार, इसका ये है आपका ज्योमेट्री, दिस इज द ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, sp3 एंड sp3। तो दोस्तों आई होप कि आपको इसमें क्लियरिटी आ गई होगी, क्लियरिटी आई कि नहीं आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं यार, ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर रेगुलर टेट्राहेड्रल है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, गिव मी द आंसर विद इन द मैटर ऑफ 5 सेकंड, 5 सेकंड से कम टाइम में आंसर दो मेरे को। यस, देवांश इज लीडिंग द पोल, कायको इज ऑल्सो लीडिंग, देवांश, दामिनी, विश्वा, जीवन, आदर्श, आदर्श, जीवन, कल्पना, प्रिया, वंदना, ग्रेट यार, यू ऑल गाइज आर डूइंग वंडरफुल जॉब। Bf4- देखते ही आप बता दोगे कि टेट्राहेड्रल होगा, SF4 नॉट पॉसिबल, sp3d, XCF4, sp3d2 नॉट पॉसिबल, दिस इज बेटर, ये क्या है, कार्बन, जब भी कभी भी यदि आपका कार्बन लीगेंड हो, चार्ज कार्बन में प्रेजेंट हो, कार्बन डोनेट करे किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट को, तो ये बहुत स्ट्रांग फील्ड लीगेंड होता है, क्या होता है, बहुत स्ट्रांग फील्ड लीगेंड, और ये हमेशा क्या बनाता है, IOC, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनमें क्या होगा, DSP2, क्या होगा, DSP2, और DSP2 में क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल क्या होगा, ए, टेट्राहेड्रल क्या होगा, ए। तो दोस्तों आपको बॉन्डिंग के, बॉन्डिंग में जो BBT होती, यूज होती है कॉम्प्लेक्स में और केमिकल, केमिकल बॉन्डिंग में, दोनों में कॉन्फिडेंस आ गया, दोनों की बॉन्डिंग में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट हो गया। आशीष, यू आर ऑल्सो राइट, ये इसका ये एक्सप्लेनेशन है, XCF4 SP3D2, निकिल DSP2, BF4 SP3, SF4 SP3D, क्लियर, ठीक है, आगे चला जाए फुर्ती से। अब ये बताओ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑब्जर्व्ड इन, किसमें मैक्सिमम एंगल ऑब्जर्व्ड होते हैं,
ये बताओ यार, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल कहाँ आपको ऑब्जर्व्ड होगा? डीएसपी टू, एसपी थ्री डी, है ना? डीएसपी थ्री या एसपी थ्री डी टू, बताओ यार फटाफट। डी, बिल्कुल सही। एवरीबडी इज डूइंग वंडरफुल जॉब, जिन्होंने भी डी दिया है दैट इज राइट। एसपी थ्री डी टू, इसमें क्या होता है दोस्तों? ऑक्टाहेड्रल। तो जो एक प्लेन में होंगे, यहां आपका मेटल है, मेटल से यहां चारों तरफ क्या लगे हुए हैं? लिगेंड लगे हुए हैं, एसपी थ्री डी टू, और यहां भी लिगेंड, और यहां भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। तो ये लिगेंड लिगेंड क्या होंगे? सारे के सारे इनके आपस में क्या होगा? 90 90 90 90 90 90, और ये आपस में क्या होंगे? 90 डिग्री। क्लियर आया? तो मैक्सिमम 90 डिग्री होंगे किसमें? एसपी थ्री डी टू में। इज दैट राइट? क्लियरिटी मिल गई? एसपी थ्री डी टू। तो देख लो यार, डीएसपी टू में 90 डिग्री एंगल होंगे एक प्लेन में, 4 1 2 3 4, ये 4 एंगल होंगे। एसपी थ्री डी में कितने होंगे? 3, तो यहां इसके साथ 3 बनाएंगे और 2 आपस में होंगे, तो कितने हो जाएंगे? 6। एसपी थ्री डी में होंगे 6, डीएसपी टू में 4, बट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो 90 डिग्री एंगल होंगे वो होंगे 12। क्या होंगे? 12। इसका इसके इसके रेस्पेक्ट में 6 हो गए और इसके रेस्पेक्ट में 6 हो गए, तो 6 प्लस 6 कितना हो गया दोस्तों? 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12। ठीक है, क्लियर? क्योंकि जो लिगेंड आपके एक्सियल में है, तो वन लिगेंड एक्सियल आल्सो फॉर्म 6 एंगल एंड द अनदर लिगेंड आल्सो फॉर्म 6 एंगल, तो 6 प्लस 6 कितने हो गए? 12। तो क्लियरिटी मिली? क्लियरिटी मिली कि नहीं मिली दोस्तों? चला जाए, फुर्ती से बढ़ा जाए। अब फटाफट बताओ यार, अब ये सारे के सारे क्विज वाले क्वेश्चंस हैं। ऑल दिस क्वेश्चंस बिलोंग्स टू क्विज। ये क्विज वाले क्वेश्चंस हैं, आपको फटाफट इनका आंसर देना है, टाइम मत लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्राइगोनल प्लेनर? ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब एसपी टू। एसपी टू ज्योमेट्री किसमें होगी दोस्तों? विच इज द राइट आंसर? ट्राइगोनल प्लेनर। यार एक बार फिर से देख लो, पीसीएल थ्री है यार, पीसीएल थ्री में तो यार लोन पेयर होगा ना। अब दोस्तों देखो, पीसीएल थ्री में ड्रैगोज रूल फेल हो जाएगा। ड्रैगोज रूल फेल हो जाएगा क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो नेवर एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.5 से क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.5 से ज्यादा है। बट फॉस्फीन होता तो फॉस्फीन में ये रूल एप्लीकेबल है। तो वंदना इज लीडिंग द पोल, हेमा, कल्पना इज ऑल्सो लीडिंग, मिसवा इज ऑल्सो लीडिंग। मिसवा, क्या बात है, गर्ल्स आर डूइंग ग्रेट यार। गर्ल्स एंड बॉयज, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, बट दिस टाइम गर्ल्स आर लीडिंग द पोल। गर्ल्स आर लीडिंग द पोल। तो राइट आंसर इज बी एफ थ्री। द राइट आंसर इज बी एफ थ्री। जिन्होंने भी बी एफ थ्री दिया है सभी का राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिया जाए। ये बताओ यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है दोस्तों? एक इसमें करेक्शन है, मैं वो कर देता हूं। यहां क्या लिख लो? यहां है आपका एसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहां s होगा। ठीक है, अब बताओ कौन सा रॉन्ग है? गिव मी द राइट आंसर। जीवन, यू आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट। गिव मी द राइट आंसर। हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रियर टू देयर कंबिनेशन इन टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। यार ये तो सही है यार, मॉलिकुलर ऑर्बिटल से पहले तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। ए इज द करेक्ट यार। ये बताओ, डीएसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑल आर 90 डिग्री, क्या ये सही है? एसपी थ्री डी हो या डीएसपी थ्री हो, दोनों की ज्योमेट्री क्या होती? टीबीपी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। क्या इसमें सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं? इक्विटोरियल भी 90 होता है क्या दोस्तों? इक्विटोरियल क्या होता है? 120। तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? डी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है पर स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, क्योंकि डी टू एसपी थ्री में क्या होता है? ऑक्टाहेड्रन, ये करेक्ट है। एसपी टू में 1s2p, ये भी करेक्ट है। और मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर एमओ,
ये भी तो करेक्ट है, तो इनकरेक्ट क्या है दोस्तों? डी। क्लियर? अब यार ये बताओ, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एजी इन द लीनियर कॉम्प्लेक्स, इसने ऑलरेडी लीनियर बोल दिया है, इसमें आंसर क्या होगा? आदर्श यू आर राइट गाइज, यू ऑल आर लाइक डायमंड, आप सभी डायमंड की तरह हो, बस आपको पॉलिश करना है, अपने आप को पॉलिश करना है, ब्रशअप करना है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब भी मेरी क्लास में आओ तो नोटबुक साथ में लेके आओ, लिखते रहो और अपने कॉन्सेप्ट ब्रशअप करते रहो। कॉन्सेप्ट क्या करते रहो? ब्रशअप करते रहो, ठीक है दोस्तों? क्लियर है? राइट राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसमें बी इज द राइट आंसर। तो आई थिंक ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लीनियर ऑलरेडी उसने लीनियर बोल दिया, जब लीनियर बोल दिया तो इसका मतलब क्या होगा? एसपी, ठीक है। अब ये बताओ यार, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन जो होता है वो क्या होता है? CH3, ठीक है, ये होगा 1,3, 1,3 में CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो बताओ यार इसमें क्या आंसर होगा? आंसर बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। ये भी sp2 है क्योंकि सभी क्या है? डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है? sp2। ट्रिपल बॉन्डेड क्या होता है? sp। सिंगल बॉन्डेड क्या होता है? sp3। तो ऑल आर sp2, सभी क्या होंगे दोस्तों? sp2। ये क्लियर है? ऑल आर sp2। तो राइट आंसर इज बी। गौरी इज ऑल्सो राइट, आदर्श राइट, निरंजन ऑल्सो राइट, ग्रेट यार ग्रेट। अब ये बताओ यार, CU हैज फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन, एम्स में पूछा गया है, एम्स 1988। तो यार सल्फेट में कितना चार्ज होता है? -2। सल्फेट में क्या होता है? 2-। तो कॉपर का जो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा? ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स मतलब 2+ चार्ज आएगा। चार्ज क्या आएगा? 1,3 कि 1,2? ओके यार 1,2 यार, राइट देवांश 1,2, मेरे को 1,3 समझ में आया था यार। एक मिनट यार, 1,3 में sp2 होगा, 1,3 में sp2 होगा, 1,2 में यार ऐसा नहीं होगा, 1,2 में ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH2 CH3। तो ये जो डबल बॉन्डेड है वो sp2 हो गए, सिंगल बॉन्डेड क्या होगा? sp3। डबल बॉन्डेड sp2 sp2, सिग्मा बॉन्डेड sp3 sp3। तो राइट आंसर इज बोथ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, या sp3 लिख लो यार, 1,2 ब्यूटाडाइन। अच्छा 1,2 ब्यूटाडाइन, सॉरी यार यार, एक मिनट यार दोस्तों, इसको फिर से बना लो यार, 1 और 2 लगातार ब्यूटाडाइन है, इट्स लाइक ए एलीन, ये एलीन है। क्या है दोस्तों? दिस इज एलीन, 1 और 2 दोनों में डाइन दिया हुआ है, ठीक है यार। तो ये क्या हो जाएगा? sp2 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 एंड sp3, ठीक है, sp2 sp2 एंड sp3, 1 और 2 दोनों में क्या दिया हुआ है? डाइन। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें देख लेते हैं आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों, एक मिनट स्क्रीन ले लेते हैं, ये तो हो गया sp2, जो बीच वाला कार्बन है वो क्या है? इसमें कोई भी आपका कितना स्टेरिक फैक्टर है? 1 एंड 1, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। तो ये हो गया sp, ये हो गया sp2, लास्ट वाला क्या हो गया? लास्ट वाला हो गया sp3। तो इसमें सारे के सारे हैं sp sp2 एंड sp3। डी इज द राइट आंसर गाइज, राइट आंसर क्या है? डी, ठीक है यार। मैंने उसको 1,3 ब्यूटाडाइन समझ लिया था, 1,2 ब्यूटाडाइन में राइट आंसर होगा डी वाला। क्लियर है? ठीक है, तो यार 1,2 ब्यूटाडाइन में एसपी भी होगा, sp2 भी होगा, sp3 भी होगा। और इसमें बताओ इसमें क्या होगा यार? ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं, कॉपर का ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बनाएगा तो क्या बनाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा दोस्तों? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यार इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या बनता है? डीएसपी2। क्या होगा ये?
डीएसपी 2। ठीक है, तो राइट आंसर इज डीएसपी 2। शेखर इज लीडिंग द पोल, शेखर इज लीडिंग। क्लियर, दामनी SP3 नहीं होगा यार, दामनी याद रखना ये एक्सेप्शन है, कॉपर में अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज डीएसपी 2। ठीक है, क्लियरिटी आ गई। अब यार ये बता दो विच वन इज फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताओ फटाफट कौन सा गलत है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताओ यार। आदर्श, ग्रेट यार, ग्रेट, वंडरफुल, ट्रेमेंडस, यू ऑल गाइज आर ग्रेट। बताओ यार, एथलीन, एथलीन में ईच कार्बन इज SP2, एथलीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो सभी कार्बन क्या होंगे SP2, दैट्स राइट। एसिटिलीन, ये गलत है दोस्तों, एसिटिलीन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और ये SP होगा, SP3 नहीं होगा, क्या होगा SP। सो द राइट आंसर इज, तो विच द फॉलोइंग फॉल्स, तो बी इज द फॉल्स, बी क्या है दोस्तों, फॉल्स है। क्लियर यार, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पूछ चुके हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, एंड द बी वॉज द राइट आंसर, बी क्या था, राइट आंसर। ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग ये क्वेश्चन। यस, अब यार ये होमवर्क क्वेश्चन है, अब ये होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को जो जो कमेंट करेगा उसका मैं स्क्रीनशॉट अगली क्लास में लेके आऊंगा, तो आप लोगों को एक कमेंट करके बताना है। इसमें मैंने कुछ MOT के भी क्वेश्चन डाल दिए हैं, ये आपको घर से करके लाने हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आदर्श, यू आर राइट यार, होमवर्क क्वेश्चन लिख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। गौरी, आस्क आस्क योर कंफ्यूजन। आइसो स्ट्रक्चरल मतलब जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल दूसरे का भी होना चाहिए, जैसे कि आपका अमोनिया है, अमोनिया टेट्राहेड्रल है, PCl3 भी क्या है, टेट्राहेड्रल, तो ये क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल। जैसे C2H2 क्या है, लीनियर, तो दूसरा मॉलिक्यूल लीनियर क्या होना चाहिए, ये भी आपका HgCl2 क्या है, लीनियर, और CO2 क्या है, CO2 भी क्या है दोस्तों, लीनियर है। और दोस्तों मैं आपको एक हिंट दे दूं, ये मल्टीपल करेक्ट वाले आंसर हैं, ये मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको मल्टीपल करेक्ट आंसर बताने हैं, तो आपको लीनियर देखना है कि कितने मॉलिक्यूल लीनियर हैं, ठीक है, क्लियर। ये होमवर्क क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया। गौरी, 5:30 आ जाएगा क्लास में, जब क्लास स्टार्ट होता है तो पहले हम कॉन्सेप्ट देते हैं क्लास में, पहले क्या देते हैं क्लास में, कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद हम लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। टाइम हो गया है दोस्तों, कल करते हैं इसको, और ये भी क्वेश्चन है, ये भी लिख लो फटाफट, मॉलिकुलर शेप ऑफ SF4, CF4 एंड HCF4, ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आप होमवर्क में करना, होमवर्क में करने के बाद कल डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप अभी कमेंट करके बताओ आपको आज का जो BBT कॉन्सेप्ट था, BBT क्लास थी, उस क्लास में आपको क्लियरिटी हुई, मज़ा आया कि नहीं आया, क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट कमेंट करके बताओ, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो गौरी, मैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कल 5:30 में आ जाना, आप क्लास की स्टार्टिंग में आओगे तो पहले हम क्लास में क्या देते हैं, पहले हम क्लास में देते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद हम क्या लेते हैं, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। इसलिए टाइम से आओ, कॉन्सेप्ट समझो, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन समझें, ठीक है, तो लेट मत किया करो, करेक्ट। तो यार दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए आप होमवर्क क्वेश्चंस करिए, कमेंट करिए, आंसर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे YouTube चैनल को हर जगह आप वायरल कर दीजिए, ठीक है।
ठीक है दोस्तों,